हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बीएस रिव्यूज। तो फाइनली बॉलीवुड के महान राजा अजय देवगन सर की मच अवेटेड मोस्ट अवेटेड मूवी मैदान का आज सेकंड डे है बॉक्स ऑफिस पर। इस मूवी की सेकंड डे की फाइनल एडवांस बुकिंग की जो रिपोर्ट है वो निकल कर आ चुकी है। यस गाइस, यानी कि आज इस मूवी ने सेकंड डे पर कितनी एडवांस बुकिंग की है और इस मूवी ने फर्स्ट डे पर कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है, फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे अपडेट को देख सके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहां पर मैदान मूवी को पब्लिक की तरफ से बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, यानी कि पब्लिक को ये मूवी पसंद आ रही है। और आप सभी को पता है कि जब कोई मूवी पब्लिक को पसंद आती है तो भाई साहब उस मूवी का जो कलेक्शन होता है उसको प्रेडिक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हालांकि जब इस मूवी का रन टाइम निकल कर आया था तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई साहब शायद ये मूवी पब्लिक के साथ कनेक्ट ना कर पाए क्योंकि इस मूवी का रन टाइम बहुत ज्यादा है। तो यहां पर जो पब्लिक के रिव्यूज और रिएक्शन निकल कर आए हैं उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई साहब पब्लिक अब इस मूवी के साथ पूरे तरीके से कनेक्ट हो चुके हैं। और वहीं अगर बात करें इस मूवी के फर्स्ट डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो भाई साहब इस मूवी के जो कल शोज हुए हैं, हिंदी टूरिज्म मॉर्निंग शोज को पैसे 10%, आफ्टरनून शोज को पैसे 17%, इवनिंग शोज को पैसे 17% और नाइट शोज को पैसे 15%। यानी कि इस मूवी के शोज कल काफी अच्छे हुए हैं। और उसके साथ साथ इस मूवी के डे वन के यानी कि कल थर्ड डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जो अर्लीस्ट एस्टिमेट्स निकल कर आ रहे हैं वो 4.50 करोड़ के, यस यानी कि 4.50 करोड़ का इस मूवी ने अपने फर्स्ट डे के ऊपर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है अर्ली एस्टिमेट के हिसाब से। और इस मूवी के जो पेड रिव्यूज हैं उसमें से इस मूवी ने 2.60 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। और भाई साहब अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो टोटल इस मूवी का जो फर्स्ट डे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बनता है वो 7.10 करोड़ है। इसके नीचे 7.10 करोड़ का इस मूवी ने अर्ली एस्टिमेट के हिसाब से अपने फर्स्ट डे के ऊपर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। और वह अगर बात करें इस मूवी की आज सेकंड डे की एडवांस बुकिंग की तो भाई साहब आज इस मूवी की एडवांस बुकिंग में थोड़ी बहुत ड्रॉप देखने को मिल गई है। यानी कि जो इस मूवी ने फर्स्ट डे पर एडवांस बुकिंग की थी उसके मुकाबले में लगभग 50% की इस मूवी की एडवांस बुकिंग में आज ड्रॉप देखने को मिल गई, जिसके यानी कि हिंदी टूडी से 54.61 लाख एडवांस बुकिंग हुई है। इसके यानी कि 54,61,000 की इस मूवी की हिंदी टूडी से एडवांस बुकिंग हुई है। 26,515 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं, 6,765 शोज है, इसके यानी कि 6,765 शोज हैं। हिंदी IMAX 2D से इस मूवी की 1.42 लाख के एडवांस बुकिंग हुई, यानी कि 1,42,000 के एडवांस बुकिंग हुई है। 273 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं, 59 शो ने। हिंदी IC से इस मूवी की ओनली 4,100 के एडवांस बुकिंग, यानी कि 4,100 के एडवांस बुकिंग हुई है, 7 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं, 9 शो ने। और वहीं अगर बात करें ऑल इंडिया की तो ऑल इंडिया से इस मूवी की 56.10 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है, यानी कि 56,10,000 की इस मूवी की आज पूरे इंडिया से इस मूवी की एडवांस बुकिंग हुई है विदाउट ब्लॉक सीट। और उसके साथ साथ इस मूवी के जो टिकट सोल्ड आउट हुए हैं वो 26,795 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं, 6,830 शोज हैं, यानी कि 6,830 शोज हैं। यहां पर आप कह सकते हैं कि इस मूवी के आज शोज भी ड्रॉप हुए क्योंकि कल इस मूवी के पास लगभग 7,500 शोज थे और आज इस मूवी के जो शोज हैं वो भाई साहब लगभग 800 शोज हैं। यस गाइस, यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि लगभग 700 शोज इस मूवी के ड्रॉप हुए हैं। और उसके साथ साथ इस मूवी की फर्स्ट डे पर जो एडवांस बुकिंग हुई थी वो 1,11,00,000 थी और आज यहाँ पर इस मूवी की 56,00,000 एडवांस बुकिंग हुई, यानी कि 50% का जो ड्रॉप है वो हमें देखने को मिला है। तो दोस्तों, आज मुझे लगता है कि इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो फर्स्ट डे के मुकाबले में थोड़ा सा कम ही आएगा और मेरा जो प्रेडिक्शन है वो भाई साहब इस मूवी के कलेक्शन से लगभग 3.5 करोड़ का, यानी कि 3.5 करोड़ का ये मूवी आसानी से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ये मूवी इतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर पाएगी या नहीं, मेरे को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप इस वीडियो को देख सकें।